जाना है ट्रेन का। आज मैं फिर उसी स्थल पर मौजूद हूँ। आज दशमी है और दशमी के दिन माँ की मूर्ति विसर्जन होने जा रही है। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके मेरे कैमरा पर्सन मूर्ति को दिखाए कि एक तरफ पंडाल है और दूसरी तरफ चैती दुर्गा का मंदिर है, मूर्ति है ये जो है उठ चुकी है और देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से मूर्ति का विसर्जन होने जा रहा है। माँ की जो भव्य मूर्ति है वो विसर्जित होने जा रही है। वो अभी यहाँ से चल करके लाइन टैंक तालाब जो है वो जाएगी और वहीं पर इसका विसर्जन होगा। तो आइए जानते हैं हम इन लोगों से भी कि किस तरीके से जो विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो हम जानते हैं। जी कि ये जो विसर्जन हो रहा है इसके लिए क्या कुछ खासा परमिशन दिया गया आपको? हम लोगों ने संस्था के अध्यक्ष हमारे रवि कुमार सिंह को, महामंत्री गोपाल पारिक जी ने हम लोग लिखित दिया था कि इस कोरोना काल में सादगी से पूजा होगी और हम लोग माँ भवानी के विसर्जन के लिए मात्र चार से पाँच लोग ही होकर दो तीन ग्रुप में जाएंगे और माता का प्रतिमा को विसर्जित करके आएंगे। तो वो कोई खास लिखित या कोई खास अनुमति नहीं है, पर उस लिखित के अनुसार सरकार प्रशासन ने हमारी बात मानी, जो कि आप आते हुए देखे भी ना, हम लोग किसी तरह का भीड़ भाड़ किसी तरह का ये लगवाएं और शांतिपूर्वक पूजा पाठ हुआ है और आज शांतिपूर्वक माँ का विदाई भी हो जाएगी और हम लोग मोटा मोटी वही 10 5 5 करके दो ग्रुप जाएंगे, 10 12 आदमी जाके विसर्जन करके वापस आधा घंटा के अंदर में लौट जाएंगे। और विसर्जन डायरेक्ट मोहल्ला से निकलेगी, सुभाष चौक सही चौक त्रियालाल लाइन टेक जाएगी, वहाँ भी सज्जन होती है। जी आप बताइए कि यहाँ जो तमाम जो इंतज़ाम किए गए थे कोविड-19 को लेकर के, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हमारी कमेटी ने, ये जो हमारी चैती दुर्गा पूजा की कमेटी है, इसने पूरी कोशिश की कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग कोविड का पालन कर रहे हैं। बहुत हद तक हम लोग इस कार्यक्रम में सक्सेस रहे हैं। हम लोगों ने लोगों को दूर रखा, माँ की प्रतिमा को छूने नहीं दिया, अंदर में भीड़ बढ़ाने नहीं दिया। हम लोगों ने इस तरह की बहुत सारी कोशिशें की हैं जिसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष लोगों ने लिख कर दिया था और हम लोग किसी भी तरह का कोविड गाइडलाइन का अनफॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन कहीं भी टूटे ना, और उसको देखकर ही हम लोग माता का विसर्जन करने जा रहे हैं। जी, कहाँ होगा ये विसर्जन? ये विसर्जन लाइन टाइम तालाब में होने जा रहा है और सीधा वहाँ पर जाकर विसर्जन हो जाएगा। इंतज़ार के बाद जो था दशमी का त्यौहार ख़त्म हो गया है और इसी के साथ माता की मूर्ति भी विसर्जित हो गई है। इसी कामना के साथ कि अच्छाई पे बुराई की हार होगी। आगे और भी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं प्रियंका, सौरभ रॉय के साथ।